ओ भाई ठंड हो गई यार। सो अरे क्या है? Hey guys, welcome back to my channel. तो भाई अभी बहुत रात हो गई, टाइम राइट नाउ इज 6:30, तो भाई शाम के बज रहे हैं 6:30। तो इस ब्लॉग में आपको दिखाने वाले हैं कि भाई ये जो वॉर के बाद, इन्फ्लेशन के बाद, ये ग्रोसरीज की प्राइस क्या हो गई है पोलैंड में। पता नहीं आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, ये बहुत अंधेरा सा है, तो थोड़ा लाइट में चलते हैं फिर बात करते हैं। भाई ठंड लग रही है, यू फील कोल्ड? आपको दिखाएंगे कि ये जो पोलैंड में इन्फ्लेशन और वॉर के बाद ग्रोसरीज की प्राइस कितनी इंक्रीज हो गई है और जो भी सीन है। सो वेयर आर वी गोइंग? ओशन। इन द ओशन? हाँ। तो गाइस अभी जाने वाले हैं हम जो पोलैंड का सबसे बड़ा सुपरमार्केट या हाइपरमार्केट या जो भी बोलो, जैसे यूएस वगैरह में होते हैं ना, वॉलमार्ट वगैरह, बेस्ट बाय, अभी वहीं जाने वाले हैं। वो थोड़ा शहर से दूर है तो भाई इसलिए अपने गाड़ी से चलेंगे भाई। अब तो गाड़ी आ गई है तो टेंशन नहीं होती है ट्राम या बस वगैरह की, तो ये भी एक तरह अचीवमेंट है भाई। तो आप भी कर सकते हो, आप पोलैंड आ रहे हो तो थोड़ा मेहनत करो, हार्डवर्क और सब मिलता है भाई। डू यू थिंक थिंग्स गोर एक्सपेंसिव आफ्टर वॉर? यस अ लॉट। हाँ तो वो जाके अब देखते हैं, बातें कम करते हैं, चलते हैं। भाई मतलब ये मॉल पूरा खाली रहता है, ये मॉल है भाई बिलानी में एंड इज आउट ऑफ द सिटी। तो अभी हम जाने वाले हैं, पहले कुछ खाने, भाई भूख लग रही है बहुत, सुबह से कुछ खाया नहीं है और मॉल काफी खाली है, सही टाइम पे हैं बिकॉज इट्स वीक डे, सब लोग हम शॉपिंग करते हैं वीकेंड्स में भाई। एंड इन केस इफ यू आर न्यू टू द चैनल तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कुछ कमेंट और लाइक जरूर कर देना। अच्छा लग रहा है ना, इंडिया में इतना खाली मॉल जल्दी मिलता नहीं है भाई, पर यहाँ पोलैंड है तो यहाँ पे भीड़ कम है ना, पॉपुलेशन इज वेरी लेस। भूख लगी थी और भाभी जी ने पेमेंट किया तो सही है भाई। रियली यू पेड? इट्स नॉट अ प्रैंक। यूजुअली मैं ही पे करता हूँ, आज किसी और ने पे करा तो अच्छा लग रहा है। तो गाइस हमारा खाना आ गया, दिस इज आवर डिनर, चीज बर्गर। They ask me how I feel, I tell them I'ma keep it real, dog, I'm dying. Two is always better than one. For everything. The hypermarket में you can also buy stationery, तो भाई सारा पेन, हाइलाइटर, मार्कर, सब कुछ मिलता है भाई यहाँ पे। पूरा स्टेशनरी का सेक्शन है, पेन वगैरह, स्केचेस, मार्कर्स और इस तरफ सारे भाई नोटबुक्स वगैरह हैं। आप यहाँ पे एक बार ओशन आ जाओ तो आपको सब कुछ मिलेगा टोटली, लाइक ए टू जेड, कपड़े से लेकर गाड़ी के पार्ट्स वगैरह सब कुछ मिलता है यहाँ पे भाई। हमने भाई बहुत सारा मार्कर ले लिया है, एक मार्कर है एक स्लॉटी का, हमने पांच लिया है तो हो गया 5 स्लॉटी, विच इज़ लाइक 100 इंडियन रुपीज, मतलब 90 से 100 इंडियन रुपीज। तो गाइस मैं बहुत दिन सोच रहा था फाइल लेने की, तो भाई आप ले लिया फाइनल, एंड दिस फॉर 11 स्लॉटी, तो हो गया अराउंड 200 के आसपास इंडियन रुपीज, तो बहुत महंगा नहीं है भाई, रीजनेबल प्राइस है। टूर की स्टार्टिंग में भाई वाइन आ गया सीधे, अल्कोहल, तो वेलकम टू पोलैंड। तो यहाँ पे भाई अल्कोहल का बहुत ही प्रचलन है, मतलब बहुत ही पॉपुलर है अल्कोहल यहाँ पे। व्हाट इज दिस? हाँ ये बेसिकली पानी का बॉटल है भाई। हम अच्छे 1 स्लॉटी फॉर 1, मतलब 1 स्लॉटी का एक है भाई बॉटल, तो 20 रुपये सस्ता है भाई। वाइन भाई, मतलब अगर आप पोलैंड आ रहे हो, अगर आप दारू वगैरह पीते हो अल्कोहल, पोलैंड इज़ अ हेवन फॉर यू बिकॉज यहाँ पे बहुत ही सस्ता है। दिस फ्रॉम साउथ अफ्रीका और वाइन का प्राइस है 27 स्लॉटी, 500 इंडियन रुपीज, मतलब 500 रुपये का भाई वाइन का बॉटल मिल रहा है, क्या चाहिए। बेसिकली क्रॉकरीज का सेक्शन है, यहाँ पे आप प्लेट्स वगैरह ले सकते हो एंड यहाँ पे सारे ग्लास वगैरह हैं भाई, छोटे मोटे कॉफी मशीन हैं, प्लेट्स, कप्स, बाउल्स। तो ये भाई आपको मैं एक रैंडम प्लेट के प्राइस दिखाता हूँ, दिस इज़ फॉर 7 स्लॉटी, तो ठीक है भाई 7 स्लॉटी इज़ लाइक 140 इंडियन रुपीज, मतलब इससे कम में क्या ही लोगे भाई। तो भाई बॉल वगैरह भी हैं, दिस बॉल का मतलब काफ़ी प्रीमियम है भाई, थोड़ी दिया था मैंने अभी तो 19 स्लॉटी का। आई मीन दिस काइंड ऑफ प्लेट्स वी हैव इन इंडिया बट दिस एक्सपेंसिव फॉर 16 लॉटी, मतलब 16 लॉटी का एक प्लेट है भाई, तो और भी काफ़ी पतला सा है, ऐसा हैवी नहीं है। स्टील यहाँ पे एक्सपेंसिव है, इंडिया वगैरह से इंपोर्ट होता है स्टील वगैरह का सामान, पर यहाँ पे क्रॉकरीज काफ़ी सस्ता है भाई, ये सारा सामान। यहाँ पे चाय बनाने की चाय छन्नी भी है, कितनी बड़ी है भाई ये देखो, दिस फॉर 19 लॉटी, इसको रख देते हैं हम, हमें नहीं चाहिए जी। वही स्टार्टिंग में आप जब पोलैंड आते हो तो आपके पास पैन वगैरह तो होगा नहीं, मतलब इंडिया से लेके मत आना, यहाँ पे काफ़ी सस्ते रेट मिल जाता है भाई। दिस इज़ गुड फॉर मेक चपाती, 31 लॉटी, एंड दिस इज़ फॉर ग्रिलिंग या फिर पैन भी बना सकते हो भाई, 72 42, ये छोटा वाला 80 87 49, इस पर तो भाई रोटी इतनी अच्छी बनेगी ना प्यार से एकदम। तो ये है भाई, आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव नहीं है, अच्छे रेट में आपको मिल जाएगा, दिस इज़ फॉर लाइक 69 लॉटी, यहाँ पे सारे रेंज का मिलेगा, सस्ता चाहिए सस्ता, महंगा चाहिए महंगा, पर ऐसा है कि आप एक बार परचेस करोगे कपल ऑफ ईयर्स, आप जितने टाइम भी यहाँ पे हो तो आराम से निकाल दोगे भाई, तो उसमें टेंशन नहीं है। एक्सपेंसिव मतलब गाइस को सारा यहाँ पे एक्सपेंसिव लग रहा है बिकॉज आफ्टर दिस वॉर यहाँ पे हर चीज़ का दाम बढ़ गया है भाई,
लाइक द प्राइस ऑफ लिटरली एवरी थिंग हैज़ इंक्रीज्ड. मतलब पॉट्स पैन हो या खाने का सामान हो या फिर नमक हो, चीनी, चीनी तो इतना महंगा हो गया कि पूछो मत यार, क्या ही कर सकते हैं. 82 फॉर दिस इज टू मच. मतलब लिटरली 1600 रुपये का है भाई, ये तो कुछ ज़्यादा ही महंगा है. आई थिंक बिकॉज इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टील, यू सी द टेक्सचर. मतलब ये भाई पतले स्टील का है एंड दिस आर प्रॉपर स्टील. क्या है ये? फॉर 300 भाई महंगा है, मतलब 6000 रुपीस. और इस तरह सारे आपको छोटे मोटे केटल वगैरह मिल जाएंगे. मुझे पता है ये व्लॉग है बेसिकली अबाउट ग्रोसरीज, तो सोचे इतना दूर आया तो कुछ ना कुछ और ले लेते हैं ग्रोसरीज के सेक्शन में, फिर वहाँ को दिखाते हैं भाई क्या रेट वगैरह है. तो दिस इज ह्यूज. कार का भी सारा सामान मिलता है भाई, आपको अपने कार के लिए भी कुछ लेना है तो यू कैन कम हियर. तो गाइस मुझे अपने कार के लिए एक फ्रेशनर लेनी थी, तो भाई ये भी एक मैंने ले लिया आज, और दिस इज फॉर 10 फ्लॉटी, आई थिंक अराउंड 200 इंडियन रुपीज़. तो गाइस हम फाइनली आ गए हैं अपने ग्रोसरी सेक्शन में. तो मैंने लिया भाई 2 चॉकलेट, और ये हमारे वैसा है जैसे इंडिया में पर्क वगैरह होता है ना, मंच पर्क, मैं तो याद भी नहीं है इंडिया में क्या चलता है, पर कुछ होता ही है. तो आई वांट टेक मोर. सब दो लिया, ट्रेडिशनल क्लासिक पोलिश चॉकलेट प्रिंसिपल डेरी मिल्क. ओ माय गॉड आई वांट दिस, दिस इज सेम थिंग वी हैव इन इंडिया. ओ माय गॉड क्रेज़. तो गाइस आज मिली है भाई पहली बार कैडबरी डेरी मिल्क, तो ये लेना बनता है यार. ये मतलब बचपन से खाते आ रहे हैं, यादें जुड़ी हैं इसके साथ, पर इतना बड़ा वाला है. एंड दिस फॉर हाउ मच? 14 फ्लॉटी, बट मे वी आल टेक फ्रूट एंड नट, फ्रूट एंड नट बेटर देन नॉर्मल. एंड दिस इज फॉर 14 फ्लॉटी, मतलब अराउंड 300 इंडियन रुपीज़. आई एम रियली हैप्पी टू बाय दिस, ईट दिस व्हेन यू आर किड्स, यू नो. कैडबरी डेरी मिल्क हो गया भाई, इतनी खुशी हो रही है ना, मतलब पूछो मत यार, आप खुशी देख रहे हो, खुशी बढ़ गई भाई. सब ले लो भाई, सब ले लो, भाभी जी वैसे पे कर रही हैं आज. अरे भाई एक्लेयर्स, मतलब आज तो चांदी हो गई, आज तो चांदी हो गई भाई, आज तो लेंगे भाई, आज तो एक्लेयर्स मिल गया, कैडबरी डेरी मिल गया, एक्लेयर्स सारा मिल गया भाई. मैंने एक लिया नेस्कैफे कॉफ़ी, एंड दिस इज़ फॉर 13 पॉइंट समथिंग फ्लॉटी, मतलब भाई अराउंड 215 इंडियन. और कॉफ़ी के बिना तो मैं दिन भी नहीं चल सकता भाई, मतलब कॉफ़ी मैं लिटरली पीता हूँ हर दिन, मतलब चाय बनाना हो नहीं पाता है टू बी ऑनेस्ट. अहमद टी, मतलब ये पूरा सेक्शन खाली टी का है भाई, तो आपको जो भी टी चाहिए जिस भी कंट्री का सारा मिलता है यहाँ पे. देखिए दिस इज टी फ्रॉम मद्रास, सर रॉजर, 6 लॉटी. और हाँ मेरे को ये दिखाना था, इंडियन चाय पत्ती चाहिए तो दिस इज़ वेरी क्लोज टू वॉट वी हैव इन इंडिया, सागा, एंड दिस इज फॉर 3 लॉटी. वाई वी इंडियंस ड्रिंक टी लाइक ब्रिटिशर्स विद मिल्क, बिकॉज वो ब्रिटिश कॉलोनी थी ना इंडिया भाई, जो भी हमारा हिस्ट्री रहा है, तो यही है. अल्कोहल भैया दे सम डिस्काउंट, हाँ तो ये भाई पूरा अल्कोहल विस्की का सेक्शन है, तो इसके ऊपर मैं एक ब्लॉग बना चुका हूँ, तो यू कैन चेक माई दैट ब्लॉग. तो ये गाइस बेसिकली पूरा चाइनीज सेक्शन है, चाइनीज और इंडियन. यहाँ पे सारे आपको सॉस मिलेंगे, अलग अलग तरीके के स्पाइसेस मिलेंगे. देखो ये चिली सॉस है, जैसे हमारे इंडिया में होता है ना, वेरी क्लोज टू दैट. हो गया स्वीट चिली सॉस, प्राइस है भाई 10 फ्लॉटी. तो गाइस ये है प्रॉपर चिली सॉस जो हम इंडिया में यूज़ करते हैं ऐसे हरी वाली, प्राइस है भाई 16 फ्लॉटी. यू विल पे फॉर एवरीथिंग यू सेड. ओके तो आज तो भाई चांदी हो गई. अब देखो मेरी शॉपिंग, मैं सोच रहा था यार अकाउंट में ज़्यादा पैसे नहीं है तो थोड़ा कम ही शॉपिंग करते हैं, पर भाभी जी ने बोल दिया कि शील पे ऐसा ऑफर मिला है भाई, ऐसे ऑफर का फ़ायदा उठाना चाहिए भाई. और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये वही नूडल्स है जिसके बारे में सब वीडियो बनाते हैं, स्पाइसी नूडल्स चैलेंज, पता नहीं क्या क्या. इसमें भाई लगता है मीट वगैरह भी है, पोर्क वगैरह, तो रख ही लेते हैं फॉर 5 फ्लॉटी. और गाइस अगर आप इस स्टोर में आ रहे हो तो ये खरीदे बिना तो आप जाना मत, टिक्का मसाला, तो ये काफ़ी अच्छा होता है, मैंने पर्सनली यूज़ करा ये, एंड इसको 10 फ्लॉटी का इन्होंने पूरा ऐसा वो बना कर दिया भाई किट फॉर 13 फ्लॉटी. ऐसे ये जार में ऐसे मटर छोले भी होते हैं, तो इसको 5 फ्लॉटी. एंड ये चाहिए छोले हैं भाई ऊपर वाले, ये भी 5 फ्लॉटी का है. गाइस हमारे ये ड्राई फ्रूट के सेक्शन में दिस इज आलमंड, तो काजू है भाई 12 फ्लॉटी फॉर 125 ग्राम. दिस इज वॉलनट्स, अखरोट, ये है राजमा 4 फ्लॉटी. ऐसे आपको सारे स्पाइसेस भी मिल जाएंगे तो इसी को टेंशन नहीं है भाई. तो ये मिल रहा है चावल, राइस अमेरिकन्स की फ्रॉम US. यहाँ पे ज़्यादा चावल ऐसे पैकेट्स वाले मिलते हैं, बट यू कैन ऑल्सो बाई दिस काइंड ऑफ पैकेट्स, मतलब खुले में. दिस इज 3 फ्लॉटी. तो दिस इज बासमती, ये लंबे वाले भाई, एंड दिस फॉर 5 फ्लॉटी. आई थिंक यू कैन बाय इफ यू वांट. भाभी जी के पास है राइस कुकर और मेरे पास तो नहीं है भाई. ओह सो मच राइस, मतलब खाली चावल ही खाना है यार. तो चावल खा के थोड़ी वेट बढ़ गई है भाई, पर कोई बात नहीं. अरे तो पुलाव है यार, व्हाट इज दिस? टिपिकल स्पैनिश राइस भाई. मेरे को लिटरली लगा सिक्योरिटी आ गई यहाँ पे ना, ऐसे ब्लॉक करना अलाउड नहीं है, पर मैं इसलिए गोप्रो लेके आया हूँ कि छोटा वाला कैमरा पता नहीं चलता है. आपके लिए इतना तो कर सकते हैं यार. मुझे पता नहीं है हिंदी में क्या बोलते हैं, पर ये वाले भाई फॉर 5 फ्लॉटी. और यहाँ पे भाई सारे आपको छोले, चने, चिक पीस, और ये पता नहीं कौन सी दाल है.
अब जो भी है मेरे को नाम नहीं पता है, बट इट्स ऑल 5-6 लोटी। अगर आप बोलो तो वॉर के पहले ये सब काफ़ी और सस्ता था, पर वॉर के बाद थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया भाई। अभी हम जब बिलिंग काउंटर पे जाएंगे फाइनल तो पता चलेगा कितना एक्सपेंसिव हुआ है। जो लोग ज़्यादा हेल्थ फ्रीक होते हैं वो ऐसे ब्राउन मैक्रोनी खाते हैं भाई, ब्राउन स्पेगेटी, ये सारा ब्राउन ये भी देख लो, पता नहीं कौन सा, ये नूडल्स पता नहीं क्या है भाई, पर हमें तो इतना समझ नहीं आता है। गाइस टू बी ऑनेस्ट, मेरा 4 साल में ऐसा सीन हो गया है कि अब मैं पेट भरने के लिए कुछ भी खा लेता हूँ, मतलब एक्सेप्ट मीट और पोर्क ये सब जो भी है, मतलब ऐसा हो गया है बस दिन कटना चाहिए। सो गाइस अगर आप पोलैंड आ रहे हो तो इसकी आदत डाल लो, टॉयलेट पेपर दिस फॉर 9 zloty, मतलब 200 Indian rupees। तो भाई यहाँ पे पानी का उतना प्रचलन नहीं है तो आपको पेपर यूज़ करना पड़ता है भाई। और गाइस ये तो बेसिकली सारे केमिकल हैं फॉर वॉशरूम, मतलब हमारे इंडिया में ऐसा होता है ना हार्पिक वगैरह वैसा ही है ये सब, वॉशरूम जेल, कोलगेट वगैरह है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ कोलगेट हैं। एंड ऑल इज लाइक 6 zloty, 4 zloty, मतलब हिमालय वगैरह का भी है, बट दिस आर मोर एक्सपेंसिव और मोर बायो प्रोडक्ट्स, मतलब यहाँ पे सारी एडल्ट वाली चीज़ें भी हैं, 2 zloty, 10 zloty, 39 zloty अगर आपको बड़ा वाला चाहिए। आइडिया नहीं है कि इंडिया में कितने का आता है, पर यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस आपके ऊपर है भाई। बेसिक मेडिसिन भी मिल जाएंगे, पैनाडोल, न्यूरोफेन, एस्पिरिन, एपाप इज लाइक पैरासीटामोल एंटीबायोटिक जो हमारे इंडिया में होता है भाई। मेलाटोनिना, व्हाट इज दिस, गोइंग टू स्लीप, हाँ तो अगर आपको नींद में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, बंदी ने ब्रेकअप कर दिया है, हाथ तोड़ दिया है, हाथ नहीं तोड़ दिया मतलब दिल तोड़ दिया है, कुछ भी बोलता है यार मैं। गाइस यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सर्फ का भी दिखा देता हूँ, बेसिकली दिस आर डिटर्जेंट्स एंड दिस फॉर 47 zloty, और मैं तो ये यूज़ करता हूँ, थोड़ा सस्ता पड़ता है, फॉर 3 kg 33 zloty। जैसे हमारे इंडिया में टाइड होता है वैसे यहाँ पे है वीर एंड फॉर 31 zloty, एंड सबसे एक्सपेंसिव होता है भाई एरियल फॉर 74 zloty। गाइस अभी यहाँ पोलैंड में मशरूम का सीजन आ गया है तो ये मशरूम मिल रहा है भाई 4 zloty, एंड दिस इज पत्ता गोभी कॉलीफ्लावर फॉर 5 zloty मिल रहा है भाई, इतना बड़ा बड़ा पम्पकिन 3 zloty। आपको सारा भाई प्याज मिल जाएगा, प्याज और फिर उधर आलू भी है 7 zloty, 3 zloty। यहाँ पे गाइस पोलैंड में ये रेड ऑनियन ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, सिर्फ 5 zloty per kg। फिर ले रहे हैं तो ऐसे बड़े बड़े पन्ने भी हैं भाई। यहाँ पे मैंगोज, आम, मतलब इंडिया में तो आम का सीजन कब का चला गया है भाई, 5 zloty का। एंड हेयर दे हैव ऑल दिस, क्या है ये, एवोकाडो फिर से आ गया, मैंगो 31 zloty, व्हाट इज फॉर 31 zloty। गाइस ये हैं सारे टोमेटोस, टमाटर 11 zloty फॉर 1 kg, मतलब भाई 220 रुपये किलो, महंगा है भाई, एक्सपेंसिव। ऐसा होता है अगर आप खुद से कुछ लेते हो और जिसमें स्टिकर नहीं लगा हुआ है प्राइस का, तो आपको खुद से मछली में जाके चूज़ करके स्टिकर लगाना है और फिर आप स्टिकर लगा लो इससे राइट, हाँ फिर आप जो काउंटर पे जाओगे तो उनको पता चल जाएगा क्या लियो कितने का है और वो स्कैन करके बनाए। तो कभी कभी ऐसा भी करता था किसी और चीज़ का स्टिकर किसी और में लगा के, मतलब कम पैसे में चंपत हो जाता था, वो से पहले करता था भाई जब स्टूडेंट था, अब तो थोड़ा स्टूडेंट नहीं रहा हूँ। जूस का सेक्शन यहाँ पे आपको भाई एप्पल जूस, पता नहीं क्या क्या, ये बालको और सब कुछ मिलेगा, ऑरेंज वगैरह, पाइनएप्पल, ऑरेंज पाइनएप्पल सारा जूस है भाई यहाँ पे, मतलब जूस और ये सब का टेंशन नहीं है भाई। जूस एंड कितना, व्हाट इज द प्राइस फॉर 14 zloty 12 zloty, आपकी बॉटल के ऊपर है आप कितना बड़ा बॉटल ले रहे हो। पोमोग्रेनेट, अनार का जूस 10 zloty, मैं तो संतरे का जूस ही पीता हूँ ऑरेंज का, तो ये भाई 2 zloty। भाई यहाँ मैं ऑशन में काफ़ी फ्रिक्वेंटली आता हूँ और मैं देख सकता हूँ पहले से चीज़ें थोड़ी एक्सपेंसिव हो गई हैं, थोड़ी नहीं थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं, पर अब क्या ही कर सकते हैं भाई, अगर सर्वाइव करना है रहना है पोलैंड में तो आपको करना है भाई। ये पूरा मिल्क का सेक्शन है और मिल्क इज 3.98 zloty, मतलब भाई ऑलमोस्ट 4 zloty, पहले ये मिल्क आता था अराउंड 2 zloty के आसपास। एंड दिस इज मिल्क पाउडर राइट, यस 0%, दिस इज 1.5, सो व्हाट इज 0% फैट, हाँ तो गाइस यहाँ पे मिल्क में फैट का परसेंटेज होता है, वो कितना फैट लेना है, तो दिस इज 3.2, मतलब ज़्यादा है, एंड दिस इज 0%, मतलब कोई फैट नहीं है भाई, एकदम पतला दूध होगा, उसका चाय भी अच्छी नहीं बनती है भाई। गोट मिल्क लाइक पाउडर, यस आई लव माय गोट। तो गाइस बकरी का दूध मिल रहा है 11 zloty per liter, आई वॉन्ट दिस वन। बेसिकली इस वीडियो में मैं कुछ कुछ चीज़ों का प्राइस दिखा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट, जो एज ए इंडियन मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली। भाई यहाँ पे पूरा स्टारबक्स का सेक्शन है, सारा कैपुचिनो, कोकोनट बेस्ड, ट्रिपल शॉट एक्सप्रेसो, मतलब सब कुछ मिल रहा है भाई, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, स्टारबक्स का सामान नहीं मिलता है यहाँ पे। तो हे यू डोंट वांट समथिंग टू ड्रिंक फ्रॉम हियर, ओके यहाँ पे सारा योगर्ट वगैरह है, जैसे कैफिर जैसे इंडिया में छाछ होता है वो है भाई 3 zloty का, मतलब क्या बोलते हैं इसको, सावर योगर्ट, सावर कर्ड, मुझे अच्छे से पता नहीं है भाई क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश उतनी अच्छी भी नहीं है भाई, मतलब ट्राई कर लेता हूँ इंग्लिश बोलने की। इसलिए राइट नाउ वी आर लुकिंग फॉर पनीर, जो हमारे इंडिया में पनीर होता है ना भाई, यहाँ पे उसका एक अल्टरनेटिव है, अगर वो मिल जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। मिल गया पनीर, हाँ सो गाइस दिस इज पनीर जो हमारे इंडिया में होता है ना, प्रॉपर पनीर है, कैपरी, टेक टू यू कैन टेक फॉर योर सर, टू वन इज 5 zloty, मतलब 5 zloty for 200 grams, अराउंड 80-90 Indian rupees, तो ठीक है भाई, अच्छे रेट में भाई कम से कम पनीर खाने मिलता है, तो आप घर पे पनीर बना सकते हो
और पोलैंड में उतना आसान नहीं है वाइफर नहीं बनाना घर पे, इसीलिए पूरा एक्स का सेक्शन है यहाँ पे। एक्स में बहुत सारे साइज आते हैं, मुर्गे का है, कोई बत्तख का है, कोई सांप का है, नहीं सांप का तो नहीं खाते भाई। अगर आपको ये पूरा ट्रे चाहिए एक का, जैसे इंडिया में आता है ना, ये हमारा पूरा पूरा ट्रे है, इसमें 20 पीस है एंड दिस इज फॉर 15 फ्लोटी। ये मैं ये नहीं बोलूँगा इंडिया से महंगा है, पर हाँ पहले ये सब चीज़ें और सस्ती थी, मतलब वॉर के पहले। अभी जो इन्फ्लेशन आया ना यूरोप में, वो तो पूछो मत, रिसेशन भी आने वाला है। आई ऑल्सो नीड ब्रेड, आई ऑल्सो नीड ब्रेड। ब्रेड का यहाँ पे इतना सारा वैरायटी है ना, मैं तो इंडिया में मुझे पता नहीं था कि ब्रेड इतने टाइप के होते हैं भाई। दिस आर ऑल ब्रेड्स। हमारे इंडिया में आप ऐसा ब्रेड तो मिलना काफ़ी मुश्किल है भाई। देख रहे हो सारे वैरायटी के ब्रेड हैं। ये क्या, ये कौन सा ब्रेड है भाई? दिस इज हार्ड लाइक अ रॉक। ये सारे ब्रेड है भाई, ए टू जेड। क्या के खाते हैं भाई यहाँ के लोग, व्हाट इज दिस? इट्स ब्रेड। हाँ ब्रेड है भाई, मतलब इनके लिए ब्रेड है। नॉर्मल लेते हैं गेहूँ वाला ही। एंड दिस इज फॉर 4 फ्लोटी। तो गाइस अगर आप पोलैंड आ रहे हो एज अ स्टूडेंट, तो आप भाई तोर्टिला लो, पनीर ले लो या फिर एग्स ले लो, स्क्रैम्बल्ड एग्स बना के तोर्टिला के अंदर डाल के, उसमें केचप वगैरह अंदर डाल के या जो भी चीज़ वगैरह आपको जो भी अच्छा लगता है मेयोनीज, और मस्त खाओ भाई, पेट भरता है। मतलब वन ऑफ द चीपेस्ट ऑप्शन ही है भाई खाने का, तोर्टिला खाओ, बहुत सस्ता होता है भाई। और गाइस अगर आपको स्वीट ब्रेड चाहिए तो ये सब भाई मीठा वाला, जो पाव रोटी बन, तो ये सब सारा स्वीट वाला है, इसमें अंदर चॉकलेट भरा हुआ है, फॉर 10 फ्लोटी। और ये पता नहीं क्या केक या ब्रेड जो भी है भाई, 5 फ्लोटी। और गाइस यहाँ पे ऐसा पैक्ड फूड भी मिलता है जो काफ़ी चीप और ठीक ही होते हैं, मतलब खाने में इतना बेकार भी नहीं होता है। यूक्रेनियन पिरोगी, मतलब इतने यूक्रेन से लोग आ गए ना, इनको यूक्रेनियन पिरोगी बेचनी पड़ रही है। हाँ वेजिटेरियन बॉल्स 9 फ्लोटी। और ये सारे ऐसे बने बनाए बर्गर वगैरह मिलते हैं, केबाब वगैरह, तो ये आप ले सकते हो इफ़ यू आर टू लेजी टू कुक। पैक फूड ले लो और फिर भाई हीट करके खा लो, पर उतना वो अच्छा नहीं होता है यार, अंदर पता नहीं क्या क्या केमिकल्स प्रिजर्वेटिव होते हैं। और गाइस ये है चिकन का सेक्शन, तो चिकन कितने का है भाई? मेरे को बहुत टाइम हो गया ऐसे चिकन परचेस करे, तो दिस इज 700 ग्राम फॉर 12 फ्लोटी, 534 ग्राम फॉर 15 फ्लोटी। दिस चिकन ब्रेस्ट। इस पोलैंड में यहाँ पे चिकन का लीवर और फिर पता नहीं किडनी हार्ट क्या क्या सब अलग बेचते हैं अलग अलग करके। तो गाइस इस तरफ ये सारा है बियर का सेक्शन, 6 फ्लोटी, 7 फ्लोटी, 3 फ्लोटी, 4 फ्लोटी, 5 फ्लोटी। मैंने अल्कोहल के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, प्रॉपर अल्कोहल, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वैसे यहाँ पे आपको सारा विस्की मिलता है भाई, हर एक कंट्रीज का, मतलब ऐसा था विस्की जिसके मैं नाम भी नहीं सुना था भाई पहले। दिस इज हेवन। ये वैलेंटाइन 56 फ्लोटी। हाँ और ये है रेड लेबल 49 फ्लोटी। अल्कोहल का सेवन करते हैं तो पोलैंड इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज फॉर यू। 1 किलो शुगर हो गया भाई 9 फ्लोटी का, पहले कहाँ ये 2-3 फ्लोटी का मिलता था। ये 4 बैग हो गया। एंड देन हाउ मच वाज टोटल? 400 समथिंग, मतलब एक बैग भाई 100 रोटी का है। सो आई एम टेलिंग यू आफ्टर दिस वॉर थिंग्स गॉट सो एक्सपेंसिव, मतलब हमने उतना कुछ लिया नहीं, आपने ब्लॉग में देखा होगा। 400 रोटी का बिल ऐसे ही बन गया, मुझे याद है मैं पहले आता था और 400 रोटी का तो भाई पूरे 5-6 बैग पूरे भर भर के सामान ले जाता था, पर कोई नहीं भाई। दैट्स प्रीटी मच फॉर दिस वीडियो। हम घर जा रहे हैं भाई, बहुत ठंड हो गई है, मैं ऐसे भी जैकेट पहनना भूल गया। एंड राइट नाउ इज लाइक 5-6 डिग्रीज आउटसाइड, तो ऐसे भी कोई है नहीं, आई थिंक इज ऑल क्लोजिंग। डिक्की में क्या ढूंढ रही हो, इधर खड़ा है इधर हीरो। तो गाइस यही था इस ब्लॉग के लिए, आई रियली होप कि आपको थोड़ा सा ही पसंद आएगा, थोड़ा सा पसंद आएगा तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। जल्दी से भाई 20K कराते हैं, फिर उसके आगे भी बढ़ते हैं भाई, बहुत ही स्लो ग्रोथ हो रही है पर हो रही है, अच्छा लगता है भाई। आप लोग इंस्टाग्राम वगैरह पे भी मैसेज करो, इंस्टाग्राम लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन। हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, लव फ्रॉम पोलैंड, पीस। Okay.